आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन की मांगों पर विचार करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के अंदरूनी हिस्सों में यात्री बसों के परिचालन की हरी झंडी दिखा दी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन विभाग ने बस मालिकों को निर्देशित किया कि बसों में थर्मल स्कैनर, एक तरह का बुखार मापने की मशीन और बसों को सैनिटाइज करने के अलावा यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखने की बातें कही गई हैं। लेकिन सरकार के आदेशों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी सूचना पर SMP न्यूज झारखंड की टीम रांची के खतगरा बस स्टैंड और ITI बस स्टैंड जा पहुंची। तो यदि पहले हम ITI बस स्टैंड की बात करें, हम तो ITI बस स्टैंड, यहां से रोजाना पलामू, गुमला, डाल्टनगंज आदि जगहों की बसें चलती हैं। इस जगह SMP न्यूज को यदि एक्का दुक्का हम बात करें तो छोड़कर कोई खामियां नजर नहीं आई। सरकार के गाइडलाइंस का अनुपालन बस मालिक और बस स्टाफ करते नजर आए। कार एसोसिएशन के तरफ से हम लोग आए हैं। हम लोग यहाँ पे आज से चूंकि बस झारखंड में चलना शुरू हुआ है, तो हम लोग एक जागरूकता अभियान के तहत बहुत सारे लोग को देखे कि हम लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे, उनको हम लोगों ने मास्क दिया और कुछ को ग्लव्स भी हम लोग प्रोवाइड करवाए और लोगों में ये बोले कि सब कृपया लगाया करें, नियमित रूप से लगाएं। और दूसरा चीज़ हम माने कि बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है कि ना, आप लोग चेक किया? हाँ, हम लोग के द्वारा एक बस को भी सैनिटाइज करवाया गया है, उसको उस पर भी हम लोग ध्यान दिए हैं। और बाकी जो यहाँ पे एजेंट हो रहे हैं उनको क्या बता रहे हैं? उन लोग को हम लोग बोले कि भाई जो व्यक्ति बस में चढ़ रहे हैं बगैर मास्क के मत चढ़ने दीजिए, टिकट नहीं काटना है। अगर उनको टिकट दीजिए तो आप उनको बोलिए या तो मास्क का सुविधा कीजिए या अपना कुछ व्यवस्था उसको करवा दीजिए। जैसे यहाँ पे जी कुमुद जी, आप क्या करना चाह रही हैं? हम लोग तो जैसे शुरू से ही इस अभियान में लगे ही हुए हैं और जहाँ तक हमारे पॉकेट में, हमारे गाड़ी में हमेशा मास्क और सैनिटाइजर रहता ही है जागरूक करने के लिए। आज से हम लोग प्रॉपर अभियान चालू किए हुए हैं। सारे बस स्टैंडों में, सारे सार्वजनिक जगहों पे हम लोग जाएंगे और जाके लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा मास्क तो सबके पास है लेकिन पॉकेट में रखे हुए हैं, वो लोग उसको लगाना नहीं चाहते हैं, लगा करके नहीं चलना चाहते। तो वहीं हम लोग को अवेयर करने की, अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो खुद भी आप संक्रमित होते हैं और दूसरे को भी करते हैं। और बस वालों को भी हमने जैसे बताया कि हर बस स्टैंड में लगभग मास्क बिकता है, अगर उन लोगों के पास नहीं है तो आप बोलिए या तो खरीदिए या आप लोग खुद उपलब्ध करा के अपने पॉकेट से, मतलब उनके टिकट के साथ उसका भी ऐड करके आप लोग ले लीजिए, ताकि लोग अवेयर हो सके कि बिना मास्क हम बस में नहीं बैठ सकते हैं। कुमुद झा, मानवाधिकार एसोसिएशन प्रमुख। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत लोग कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक वैक्सीन है, महामारी तो है, वैश्विक महामारी है और पूरे विश्व में इसका प्रकोप हुआ है, तो अब जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक सुरक्षा ही सबसे बड़ा बचाव है। और सुरक्षा करके ही, सुरक्षा में भी वही है कि केवल मुंह से ही इसका कंटामिनेशन होता है, तो मुंह से उसको मास्क लगा के रखिए, हाथ को प्रॉपर साफ रखिए, किसी सरफेस को छूते हैं कोरोना आपके किसी शरीर के भी अंग से नहीं जाता है, वो जाता है केवल आपके सलाइवा और नाक के थ्रू है, तो इसलिए आप मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइज हाथ को करते रहिए, अपनी सुरक्षा ही अपना बचाव है सारा। एज ए यात्री यदि हम कहीं सफर कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? मान लीजिए आप ही एक यात्री हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, कोई हमें समझाने वाला नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आप उस समय घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और बहुत ज्यादा अगर आपको जरूरत है बाहर निकलने की तो आप मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल लेके निकलिए, उससे आपका घर भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। और जो भी नियम हम लोग के सरकार ने दिया है कि एक एक सीट पर एक ही को बैठना है, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, तो वो सभी को बिल्कुल जरूर से मेंटेन करें। होकर रहे आप लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं जो पैसेंजर आपके पास आ रहे हैं? जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर करने के लिए व्यवस्था बता रहे हैं, दे रहे हैं। सरकार की तरफ से या आपके एसोसिएशन की तरफ से कोई गाइडलाइंस दिया गया है? सरकार तरफ से गाइडलाइंस दिया गया मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर करने के लिए, और सवारी लोग का नंबर, एड्रेस जो जहाँ से चढ़ते हैं उनका एड्रेस और ये लिखने के लिए। तो ये नोट हो रहा है? नोट हो जाएगा, अभी थोड़ा देर में हो जाएगा, तुरंत गाड़ी नहीं हो रहा है, गाड़ी चलने के बाद तुरंत नोट कर लेंगे हम लोग। अच्छा, गाड़ी के अंदर में करेंगे? हाँ, गाड़ी के अंदर में कर देंगे नोट, सबका एड्रेस नोट ये सब कर लेंगे। सीटों को सैनिटाइज किया गया? सीट को सैनिटाइज किया गया है। हाँ, किया गया है। हाँ, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ से चल रही है? ये रांची गुमला जाएगी। रांची गुमला,
लोग जब यहाँ पे आए तो इस बस के ड्राइवर को क्या देखा आपने? सब ये व्यवस्था अपना लेकर आए थे? नहीं, जब हम आए था इनके पास व्यवस्था तो था, लेकिन बस में बैठे थे और मास्क नहीं लगाए थे, मास्क पॉकेट में रखे हुए थे। हमने इनको भी समझाया और ये माने भी, तुरंत अपने इन्होंने किया और ये भी बोला कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम अपने पैसेंजरों को भी बोलेंगे कि आप मास्क के बिना मत चढ़िए। गुमला जाना है। क्या सावधानी बरत रही हैं आप? तो मास्क लगाएं। मास्क लगा रही हैं? हाँ, यस। सैनिटाइजर रखना है? हाँ, यस। यदि गाड़ी में, यदि बस में आपको आधे रास्ते में आपके सीट पे कोई बैठता है तो क्या आप बैठने देंगे? नहीं नहीं ना? नहीं। आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ चलती है? रांची से चतरा। चतरा, हाँ। क्या लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं अभी? लोगों को सुविधा यही है कि हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, गाड़ी सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। और इसमें लोगों का, यात्रियों का नाम नंबर भी, मोबाइल नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर और कहाँ से कहाँ जाना है, नाम जो है सो ऐड कर रहे हैं हम लोग। एंट्री किया जा रहा है? हाँ, एंट्री कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चंदवा। मास्क लगा लीजिए पहले। चंदवा। चंदवा जा रहे हैं जी। सैनिटाइज किया गया गाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल किया गया है। क्या हिदायत दिया गया आप लोगों को? सैनिटाइज किया गया है, मास्क लगाना है, तो प्लस जो है हाथ जो है हमेशा सैनिटाइज करना है और जो है एक दूसरे से टच नहीं करना है, सामान दूरी बना के रहना है। मतलब आपको सुरक्षा, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, अभी तो लग रहा है ऐसा। तो ये लिस्ट आप दिखा रहे हैं, लोगों का नाम नंबर नोट किया जाएगा, गाड़ी जब चलेगा तो आप नाम नंबर नोट करेंगे क्या? जी सर। मतलब प्रति जो भी सवारी आपके गाड़ी, सबका नाम नंबर, फोन नंबर, कहाँ से कहाँ जाना है सब लिखना है। लेकिन वहीं जब SMP न्यूज की टीम खादगरा बस स्टैंड पहुंची तो देखा कि बस में न थर्मल स्कैनर है और न ही बसों को सैनिटाइज किया गया है। अब एक अहम सवाल, इन खामियों को देखेगा कौन? जी सही सुना आपने, क्योंकि बस मालिकों के द्वारा सरकार के समक्ष सरकार की शर्तों का अनुपालन करने की बात कही गई थी। जैसा कि सरकारी आदेशों के अनुसार बसों को यत्र तत्र खड़ा नहीं करना है। जब इस बात की भनक SMP न्यूज को मिली तो टीम इसकी पड़ताल करने कांटा टोली चौक से टाटा की ओर जाने वाली सड़क पर यात्रियों के इंतजार में खड़ी बसों का मुआयना किया। वहां खड़ी बसों के एक चालक ने क्या कहा, हमने वहां पे भी बात किया है, हम आइए पहले सुनते हैं। नहीं, मुनाज भैया का स्टैंड है, मुनाज भाई का ऑन द रोड स्टैंड है। आप रोड पे गाड़ी को खड़ा किए, ये स्टैंड है? नहीं, उतना तो नहीं मालूम। सरकार के तरफ से, DTO की तरफ से क्या गाइडलाइंस दिया गया था कि आपको अपने स्टैंड में ही गाड़ी खड़ा करना है? तो यहाँ हम लोग शुरू से खड़ा करते हैं। ये शुरू से खड़ा कर रहे हैं, तो ये लगातार लापरवाही आप देख सकते हैं। जैसे ही बसों का परिचालन चालू हुआ है, ये फिर से अपने धरने पे आ चुके हैं और लगातार बसों को स्टैंड के बाहर खड़ा कर रहे हैं और पैसेंजर को उठा रहे हैं। तो ये स्थिति है और ये लगातार स्थिति बनी रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि इस पे DTO को संज्ञान लेना पड़ेगा, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के ऐसे लोग पीछे धर पाएंगे और लोग सेफ और सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। हेलो ड्राइवर साहब, आपका यहाँ पे स्टॉपेज है? हाँ सर। हाँ सर, स्टॉपेज है यहाँ? हाँ सर। ये स्टैंड है? नहीं नहीं, स्टॉपेज नहीं है यहाँ पर, ये स्टैंड है। आपने सड़क पे गाड़ी खड़ा किया है, ये स्टैंड है? आप बोल रहे हैं कि स्टॉपेज है? नहीं नहीं, स्टॉपेज नहीं, जा रहा जा रहा। तो ये गाइडलाइंस का सरासर अवहेलना करते हुए, जैसा कि सबका यही बोला गया था कि जहाँ पे आपका स्टॉप रहेगा वहीं पे अपनी वाहनों को खड़ा करेंगे, लेकिन खादगरा बस स्टैंड से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं ऑन रोड खड़े होकर के पैसेंजर को बैठा रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम बात करें सुरक्षा की, तो कहाँ सुरक्षा है? फिर कैसे लोग स्कैन कर पाएंगे, कहाँ से थर्मल स्कैन कर पाएंगे और कहाँ सैनिटाइज कर पाएंगे? ये सरासर नियमों की अवहेलना लगातार यहाँ खादगरा बस स्टैंड से लोग करते नजर आ रहे हैं। टीम पुनः जा पहुंची खदगरा बस स्टैंड के अंदर, वहां तैनात कांटा टोली OP प्रभारी भीम सिंह ने क्या कहा, हम आइए यहां भी सुनते हैं और बस के स्टाफ ने क्या कहा यह भी आप सुने। और यहां पे गाड़ी सैनिटाइज किया गया? पता नहीं, हम लोगों को तो बोला गया है किया गया है। आप हैं ड्राइवर? बैठ लेना है बेटा, हमारे साथ। दिखाओ थर्मल स्कैनर है गाड़ी में? सबका स्कैन किया गया जब सवारी अंदर बैठ रहे थे, तो स्कैन करके बैठाया? हाँ, बैठाया गया। कहाँ है स्कैनर? स्कैनर गाड़ी में।
थोड़ा दिखाएंगे? दिखा रहा, दिखा रहा। आप गाड़ी में आ रहा है, रखा हुआ है। स्कैन किया गया था? नहीं। आप लोगों को थर्मल स्कैनर से स्कैन किया गया था? नहीं। पहले नहीं, नहीं नहीं किया गया। ये स्थिति आप लोग को नहीं किया गया। जांच नहीं किया गया, कुछ जांच नहीं किया। ये स्थिति है, अभी से ही धज्जियां उड़ रही हैं गाड़ियों में। पैसेंजर को कोई मतलब जो सुविधाएं जो बात की गई थी, गाइडलाइंस दिया गया था, उसका कोई नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस दिया गया था कि गाड़ी आपको कैसे चलाना है, उसका पालन हो रहा है? हाँ, लगभग पालन तो हो रहा है। लगभग पालन लगभग सभी गाड़ी वाला लोग अपना। लेकिन आपके पैसेंजर जो बैठे हैं उनका कहना है कि हमारा कोई जाँच नहीं किया। नहीं, हाथ में जो सैनिटाइजर लगाता है ना, वो सभी हाथ में दिया जा रहा है। अभी हम किसी का स्कैन किया गया? नहीं, स्कैन तो नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं आप नियमों की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? नहीं नहीं जी, सभी आगे लगा हुआ, अभी हम निकलेंगे ना तो पूरा मारे गाड़ी में। हम सैनिटाइजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कैनर की बात कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पैसेंजर का मतलब आपके तरफ से कुछ नहीं है ना? नहीं, वहाँ से जब टाटा से चली ना गाड़ी, वहाँ से। अच्छा, मतलब रांची से जो पैसेंजर जाएंगे उनको स्कैन नहीं किया जाएगा, जो टाटा से आएंगे उनको स्कैन किया जाएगा, ये नियम है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा सर, ये चूक है कि नहीं? हाँ, चूक है। अभी हम बता रहे हैं इन लोगों को, जो भी है भेजिए वहाँ सामने में, सब चेक कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग आए हैं, हालांकि इनको जानकारी नहीं थी, तो इनका कहना है कि ये चूक हो गया है, पहला दिन है, सुधार हो जाएगा इसमें। हालांकि हमने आपको ITI बस स्टैंड का दिखाया, बजाबते वहाँ पे जब तक किसी को स्कैन नहीं किया जा रहा है उनको गाड़ी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर भी यहाँ के लोगों का भी कहना है कि हम सुधार करेंगे और स्कैनर साथ में रखेंगे। पैसेंजर कैसे बैठ गया बिना गाड़ी सैनिटाइज कराया? पैसेंजर कैसे बैठा लिए, गलत है कि नहीं है? गलत तो है। टाटा में आप सैनिटाइज कराए, फिर पैसेंजर यहाँ उतारे, यहाँ नया पैसेंजर बैठा है, तो सैनिटाइज होना चाहिए ना? आप ये थर्मल स्कैनर नहीं रखे हैं? प्लीज सहयोग कीजिए, हाथ जोड़िए, प्लीज सहयोग कीजिए, अभी तुरंत इसको ठीक कीजिए, सारे पैसेंजर को उतार के उतारिए, उसको और सैनिटाइज कराइए पहले गाड़ी, उधर बैठा रजिस्टर मेंटेन होना करवाई कर देंगे आप लोग। आप लोग सहयोग कीजिए। नहीं नहीं सर, त्रुटि दिख रहा है, जिससे गाड़ियाँ चल रही हैं और उसके बाद ना गाड़ी को सैनिटाइज किया गया, ना पैसेंजर को थर्मल स्कैनर किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी मेरे हम अभी चेक किए तो पता चला कि ये गाड़ी को सैनिटाइज नहीं कराए हैं, तो हमने इनको बताया और नियम के बारे में समझाया, अभी तुरंत करा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, और अभी चूँकि कोरोना महामारी फैली हुई है, हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज निकल रहे हैं, और उसी बीच सरकार के आदेशानुसार आज से स्टैंड का परिचालन शुरू हुआ है, तो बेहद ज़रूरी है, सतर्कता बेहद ज़रूरी है। जी जरूर, इस संबंध में हम अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे, हम ये टाउन CO साहब को सूचित करेंगे और कार्रवाई होगी। जो नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सभी जो भी जिला प्रशासन का टर्म एंड कंडीशन है उसको सख्ती से फॉलो करें और अपने गाड़ियों का सैनिटाइजेशन कराएं, सभी को आप थर्मल स्कैनिंग कराएं, हाथ को सैनिटाइज कराएं, मास्क के बिना किसी भी पैसेंजर को गाड़ी में नहीं बैठने दें। ये सारे चीज़ हम पूर्व में बता चुके हैं और अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं। यहाँ अनाउंसमेंट की व्यवस्था है खादगड़ा बस स्टैंड में, अनाउंसमेंट करा रहा हूँ और लोगों को खुद से जाकर भी समझा रहा हूँ, और अगर नहीं मानेंगे तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जी, अगर बस स्टैंड में लोगों की बातों को सुना आपने, गाड़ी स्टाफ को भी सुना, पुलिस अधिकारी को भी आपने सुना, हालांकि सब लोगों का यही कहना है कि पहला दिन है, सुधार हो जाएगा तो हमें भी उम्मीद है,
कि गाड़ी ऑनरों के द्वारा इन सब बातों पे खासा ख्याल रखा जाएगा। फिर भी एसएमपी टीम की नजर आगे भी बनी रहेगी इन गतिविधियों पे। मास्क वगैरह निशुल्क है, बाकी फेस शील्ड है वो जो जिनविन जो रेट में दिया जा रहा है, और गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है। हाँ, मास्क फ्री में दिया जा रहा है। क्या कहेंगे वो दो बार मीटिंग है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा ये वो लोगों को ये है, क्योंकि अब हम लोगों का काम है कि गाड़ी सैनिटाइज करके भेज देना, वो लोग को काम है कि पैसेंजर को अंदर लाना, तो आप उसको थर्मामीटर से वो तो जांच करना आपका काम है कि किसका टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, वो अंदर आना तो उसको आपको देखना है। अब ये मिस्टेक है या ये लोग की लापरवाही है, वो अब ये ऑनर एसोसिएशन से हम लोग पूछेंगे कि अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो उसको भी हम लोग करेंगे। उस पर हम लोगों ने जब क्वेश्चन किया तो उनका कहना है कि बाहर में स्कैन हो रहा है। नहीं 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 नहीं, जहाँ नहीं है जो चीज़ है वो आपको दिखा, अगर वो स्कैनर को आप खोजेंगे तो वो स्कैनर मिलेगा नहीं। तो ये एसडीओ साहब बोले थे कि मतलब कि कोई प्रभारी को नियुक्त करेंगे, तो छोटा मोटा कुछ भी चीज़ को कंप्लेन करने के लिए, अब वो तो अभी तक कोई ऐसा कोई आया नहीं है यहाँ पे, मगर हम लोग इसको रखेंगे बात को कि भाई कोई भी गाड़ी वाले लोग जी गया था तो उन्हीं के तरफ से। मेरा नाम नौशाद खान हुआ, हम लोग खा। इसके बाद हमारी टीम रांची के तकरीबन सभी हिस्सों में पड़ताल कर रही थी। इसी कड़ी में बूटी मोड़ के समीप खड़ी बसों पर हमारी नजर गई। क्या स्थिति है, आइए हम उस जगह से भी आज आपको रूबरू कराते हैं। क्या स्थिति है वहाँ पे, किस तरह बसों को खड़ा किया जा रहा है, और खास करके यहाँ जो बात है यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, अब हम यहाँ पे आपको बस के स्टाफ से बात कराएंगे जो वहाँ पे जो एजेंट हैं, कैसे पैसेंजर को चढ़ाते हैं गाड़ियों में, उस विजुअल को से भी आपको हम रूबरू कराते हैं। फिर भी क्या हुआ बूटी मोड़ में, हम आइए इस विजुअल को भी देखते हैं। गाड़ी में थर्मल स्कैनर है? हाँ। थर्मल स्कैनर टेम्परेचर जांच करने वाला, टेम्परेचर जांच करने वाला है? नहीं है। हम आइए और कुछ गाड़ियों में पूछते हैं, थर्मल स्कैनर है गाड़ी में? थर्मल स्कैनर है, रखा है। कहाँ है? ए लाके दो रे। टेम्परेचर नापा गया आपका? जी नहीं, नापा नहीं, नहीं नहीं सर, नहीं नापा गया है। चलिए, स्कैनर नहीं है। हम आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो आप लगातार देख रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे। आपके गाड़ी में थर्मल स्कैनर है? हाँ। थर्मल स्कैनर आ रहा है सारा चीज अभी जो है ना। थर्मल स्कैनर है? हाँ, थर्मल स्कैनर है सर। कहाँ है दिखाइए हमें। दिखा रहे हैं सारा चीज, लगाइए, लगा रहे हैं, दिखा रहे। अच्छा, अभी आप लगाएंगे? अभी नहीं आपका, अभी सारा चीज लगा। ये स्थिति है सभी गाड़ियों का, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बूटी मोड़ में क्या स्थिति है। अच्छा, हमें भाई साहब एक चीज बताइए, और यहाँ पे कौन लोग हैं? यहाँ पे स्टैंड है? नहीं है। नहीं, यहाँ पार्किंग का है? नहीं, पार्किंग पार्किंग का है यहाँ? नहीं 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 है ना, जबकि बोला गया कि स्टैंड में लगाने के लिए गाड़ियों को, उसके बावजूद भी सड़क किनारे गाड़ी लगा रहे हैं? हाँ, लगा रहे हैं। और कोई भी सेफ्टी नहीं है किसी गाड़ी में? नहीं, किसी में नहीं है। तो नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही है। चलिए, हम और भी कुछ गाड़ियां हैं आगे में, हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है इस बस परिचालन का। सरकार ने तो सबको हिदायत दे दिया कि हाँ, आपको गाइडलाइंस फॉलो करना है, गाड़ियों को चलाना है, लेकिन किस तरह से गाड़ियां चल रही हैं मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। अभी आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, और आप जिस तरह से गाड़ी पर पसेंजर चढ़ा रहे हैं, आपने तो मास्क तो नहीं लगाया है और उनको कंधे पे हाथ रख के चढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? मास्क लाया हूँ मैं गाड़ी में रखी हुई है, बस गाड़ी में रखा हुआ है। गाड़ी को लगा के रखे हैं? नहीं नहीं, अभी तुरंत जस्ट लेके, अभी मैं जस्ट यहाँ आया हूँ तुरंत। यहाँ पे मैं यहाँ मैनेजर हूँ गाड़ी का। कौन गाड़ी का? यही साहिल सोनू बस के। साहिल सोनू बस के। इनके पास थर्मल स्कैनर है ही नहीं तो क्या जांच करेंगे? नहीं है, हमने पूछा है इनसे। थर्मल स्कैनर है सर? कंडक्टर से बात कर लीजिए, उधर ही है। इधर ही है, बाहर भी है, उधर ही है। कंडक्टर
गलती कर रहे हैं। गलती नहीं कर रहे। आपने पैसेंजर अभी बैठाया, उसका टेम्परेचर लिया सर, गाड़ी में मापा आपने उसका? गाड़ी में मेंटेन होगा सर, गाड़ी में मेंटेन होगा। जी सर, गाड़ी में मेंटेन होगा। हाँ, मशीन दिखाइए हमको। चलिए चलिए, मैं मान लेता हूँ गाड़ी में होगा, आप हमें मशीन दिखाएं। आपका थर्मल स्कैनर मशीन कहाँ है दिखाएं सर? वो स्टैंड में ही नापा जाता है सर हम लोग का। आपने बोला अभी पैसेंजर, आप पैसेंजर उठाए ना अब, तो आपने बोला गाड़ी में मापेंगे, हमें मशीन दिखाएं, आप कहाँ है? मशीन नहीं, हम लोग डेयरी मेंटेन सब हम लोग कर रहे हैं सर। यहाँ पे स्टैंड में हजारीबाग से रांची स्टैंड जब आती है ना, तब उसमें टेम्परेचर मापते हम लोग हैं सर। आपको अभी गाड़ी में बैठाया गया, आपका थर्मल स्कैन किया गया, टेम्परेचर मापा गया? नहीं। सैनिटाइजर दिया गया? नहीं। ये गाइडलाइंस के खिलाफ है, गाइडलाइंस के सही है? शायद खिलाफ है। खिलाफ है? हाँ। तो कहीं ना कहीं ये बस वाले गलती कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, क्या कहेंगे ये आप? सावधानी कैसे बरतनी चाहिए? सैनिटाइजर वगैरह यूज करना चाहिए जी। और डिस्टेंस जैसे मेंटेन करना वैसे करनी चाहिए। हालांकि हमें उम्मीद है कि इन सभी खामियों को सरकार के अधिकारियों के द्वारा जांच किया जाएगा और जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई भी की जाएगी और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने को भी मिलेगा और जो नियमों का उल्लंघन करेंगे कि उन पे कार्रवाई भी की जाएगी और जो यत्र तत्र गाड़ियां खड़ी हो रही हैं इस पे भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी भी कहीं पे रूट में कोई भीड़ ना हो और यात्री सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।